धनबाद के पुटकी 13 नंबर के ग्रामीणों की एक बैठक में पर्यावरण बचाव संघर्ष समिति की एक पहल पर पुटकी बलिहारी क्षेत्र के महाप्रबंधक अरे दम मुस्तफी आए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ग्रामीणों के साथ वार्ता की। बैठक परियोजना से प्रभावित 13 नंबर मोहल्ले के विषय में और GM साहब आए, उन्होंने कहा कि जो खतरनाक 100 मीटर के दायरे से बाहर ये गांव है। मैं कहना चाहूँगा कि ये 100 मीटर के दायरे से बाहर ही अलग बात है, लेकिन इसके अंदर गैलरी चली थी और जहाँ गैलरी चलती है वहाँ कमोबेश खतरा तो रहता ही है, खास करके बारिश अगर हो जाए तो खतरा और बढ़ जाता है। और सिर्फ इसमें गैलरी नहीं है, फायर भी एक्टिव फायर है इस क्षेत्र में, चाहे 10 नंबर हो, 17 नंबर हो या 13 नंबर हो। उन्होंने सिर्फ 100 मीटर वाली बात बोली कि खतरा कम है तो वाइब्रेशन कम आएगा, लेकिन इसके नीचे गैलरी है और फायर एक्टिव है और उसको डेंजर जोन में आता है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इसलिए हम खतरे से इनकार नहीं करेंगे, खतरे को खारिज नहीं करेंगे, लेकिन GM साहब आए, लोगों से वार्ता किए सौहार्दपूर्ण वातावरण में। हम चाहें वो रिलेशन डेवलप करने के लिए भी आए, हम चाहेंगे कि मैनेजमेंट के साथ प्रबंधन के साथ रिश्ता अच्छा हो और जो खतरनाक स्थल में लोग बसे हुए हैं, यहाँ दो ही मेरा मांग, खतरनाक स्थल से लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाइए और यहाँ से विस्थापन के क्रम में लोगों का घर द्वार रोजगार सारा चीज़ छूट जाता है, तो कम से कम जो परियोजना से प्रभावित लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ना कि बाहरी लोगों को। यहाँ और यहाँ सब्जी बागान से करीब 20-25 परिवार का जीविका चलता था, वो पूरी तरह से उनका जीविका छीन गया है। उन लोगों को भी भागोपुरी प्राथमिकता के आधार पर अपने आउटसोर्सिंग परियोजना में चाहे जहाँ कहीं भी एडजस्ट करें उनका रोजगार के बारे में सोचिए। मेरा नाम चंद्रशेखर पाठक, संयुक्त महामंत्री कोलियर श्रमिक संघ।